फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज संडे का दिन है तो संडे का दिन थोड़ा सा स्पेशल होता है और सभी का मन होता है कोई बढ़िया सा नाश्ता बनाया जाए। तो आज मैंने टमाटर की चटनी और कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया। ये मैंने चीले बनाए हैं और चलिए मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। और सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर मैंने दो लिए हैं मीडियम साइज़ के, साथ में दो हरी मिर्च और दो छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं। और चीले के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आलू मैंने कच्चे लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए मैंने टमाटर, मिर्च और अदरक को मिक्सी में पीस लिया। और जब मिक्सी में पीसा है तो इसको थोड़ा सा हम बारीक पीसेंगे, क्योंकि जब मोटा हो जाता है वो चटनी में खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। टमाटर पीसने के बाद मैं एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक चम्मच, छोटा वाला एक चम्मच तेल डाला। उसके बाद इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। और जीरा डालने के बाद इसको, तो जब ये चटकने लगा तो मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और डालने के बाद इसको मैंने एक से दो बार चलाया। चलाने के बाद इसमें मैंने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डाली, जिससे चटनी का कलर बहुत अच्छा सा हो जाए। और फिर इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। और चलाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। और इसको दो से तीन मिनट चलाने के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच सोया सॉस डाली है। सोया सॉस से चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो गया। आप भी कभी चटनी बनाएं तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल के देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है। और देखिए चटनी का कलर कितना बढ़िया है, एकदम रेड कलर, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी हुई है खाने में। मैंने इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डाले हैं, थोड़े से ही मसाले डाले। कभी कभी चटनी थोड़े मसालों से भी बहुत अच्छी बनती है। चटनी तैयार हो गई है। अब चलिए अब हम चीले की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आलू को हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसको कद्दूकस करेंगे। मैंने आलू को पहले ही धुल के साफ़ कर लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी आजकल बहुत आती है आलूओं में। तो देखिए इस तरह से आलू छिल गए हैं, अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। और कद्दूकस करने के लिए आप चाहे पतला या मोटा कैसा भी कद्दूकस ले लीजिए, बस कद्दूकस ही करना है। देखिए मैंने आलू कद्दूकस कर लिए। और इसके बाद मैंने इसमें दो चम्मच चावल का आटा, यानी एक छोटी कटोरी चावल का आटा मिलाया है। और चावल का आटा मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़े से मसाले भी ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच से भी कम हल्दी डाली है। और इसमें एक चम्मच पिसा हुआ धनिया और एक चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं ज़्यादा या कम, एक पिंच हींग और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैंने इसमें एक से डेढ़ चम्मच पानी ऐड किया है, जिसे थोड़ा सा सही हो जाए। तो पानी बनाने के बाद देखिए कितना अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका चीला बनाएंगे। चीला बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, एक पैन लेंगे। पैन में मैंने एक चम्मच तेल डाला है और तेल डालने के बाद इसमें दो चम्मच बैटर डालेंगे। और बैटर डालने के बाद उसको धीरे धीरे गोलाई की शेप में फैलाएंगे इस तरह से। और फैलाने के बाद इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे, जिससे ये नीचे साइड से सिक जाए अच्छे से। और गैस की लो एकदम मीडियम कर देंगे। एक चम्मच तेल और डाल देंगे और देखिए नीचे साइड से सिक गया है। इसको पलट देंगे, देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और कितना सुंदर इसका कलर आया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, जिससे नीचे की साइड से सिक जाए। और देखिए चीला बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आया है। और टमाटर की चटनी तो 8 से 10 दिन आप इसको रख सकती हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। और मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।